गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब हैदराबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारी मॉर्निंग हुई है। एंड सॉरी यार, कल मैं जब अपने बल्लू भाई से मिला, उन्होंने भाई जान ऐसी हाथे से वादा की, इतना शुगल मेला लगा, मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हम पूरी रात हंस हंस के ऊपर से बल्लू भाई ने एक बंदा हमें और मिलवा दिया था, वो बंदा कराची से बिलाल भाई। यार बिलाल भाई द ग्रेट, हमने बहुत शुगल किया, आप पूरी रात हंसते रहे। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जो है अपना रात के मूवमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाया। उन्होंने वाइट कढ़ाई बनाई थी वहाब भाई ने, पराठे साथ में चटनियाँ चल रही थी, प्रो फुल मज़ा किया। अभी जो है वहाब भाई और वो दोनों सो रहे हैं, लेकिन आपको पता आपका भाई टूरिस्ट है, तो मुझे और जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो मैं अभी अपने एक और दोस्त सीजे चोली द वन एंड ओनली, जिसके साथ आपका भाई बर्लिन में स्टे कर रहा था, अभी उससे मिलूंगा, क्योंकि हमारा प्लान है, हम लोग बर्लिन में एक फेस्टिवल हो रहा है, एक जगह है जिसका नाम है फूड जंक्शन, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे हर टाइप के फूड होता है, तो हम ट्राई करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड कि आज क्या क्या मिलने वाला है। वाकई हमारे जोली भाई ने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी इस फंक्शन की, इस इवेंट की, कि आपको मैं इंडिया की ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होंगी या खाई नहीं होंगी। तो चलो अभी यहाँ से बस लेते हैं, और बस के बाद हम दूसरी जो है ट्रेन लेंगे, स्पाइस जंक्शन ही जगह का नाम है, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं मुझे क्या मिला खाने में। तो आपको सीधे जोली के साथ मिलाएंगे, द वन एंड ओनली जोल पारी। यार पिछले दो दिन से मैं इतना खुश था कि बर्लिन में मौसम इतना प्यारा है, और मैं चीख चीख के अपने व्लॉग में बोल रहा था, लेकिन शायद किसी की नज़र लग गई है। अभी मौसम जो है वो चेंज हो गया है, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है अभी क्लाउड्स बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम लोग शपांडो में हैं अपने बल्लू भाई की लोकेशन के पास, और यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फिर अपने दोस्त सीजे जोली को ज्वाइन करते हैं, स्पाइस जंक्शन में मिलते हैं, वहाँ पे खाने ट्राई करते हैं, और बाकी की चीज़ें आपको जो ट्रिप है जो तफरी है अपने व्लॉग में रिकॉर्ड करेंगे। अभी हम लोग पहली ट्रेन लेके अपनी जो है मेट्रो स्टेशन तक आ गए हैं, यहाँ से जो हम अपनी फाइनल ट्रेन लेंगे, ट्रेन नंबर 2, जो हमें स्पाइस जंक्शन तक लेके जाएगी। लेकिन आपको मैं दिखाता चलूँ इनका मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ऐसी मेट्रो दिखती है और ऐसी मेट्रो चलती है। तो आ गया वो मोमेंट, आ गई वो जगह जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग स्पाइस जंक्शन पे जा रहे हैं, ब्रदर से मिलेंगे सीधे जोली, जिसका मैंने आपको बताया था, तो वो है हमारा ब्रदर, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग ब्रो, की हाल चाल? सत श्री अकाल। की हाल है? वधिया वधिया। ते भाजी दसो आप कितने जा रहे हैं, की हिसाब किताब है? चलने आज स्पाइस जंक्शन ते, इथे दी एक नवी शॉप है। अच्छा, ते तोनु इंडियन जरा स्ट्रीट फूड होंदा, थोड़ा पाकिस्तान च होंदा नहीं है। अच्छा अच्छा, इस करके मैं क्या एक अच्छा आईडिया होएगा तन्नू इथे लेके आंदा। अच्छा, ट्राई कर सके जो तुसी भाजी तुसी कह रहे हो कि मतलब डिफरेंट टाइप्स दा खाना जेड़ा पाकिस्तान च नहीं गदा, तो मतलब की है? जिस तरह तुसी डोसा वोसा पाकिस्तान दे विच तुसी काफी सारी वीडियोस देखदे होगे, जरा गलियां सड़कां ते खड़े होके बंदे बना रहे होंदे। अच्छा अच्छा, बड़े सारे फेमस पाव भाजी। अच्छा अच्छा, जैसे मुंबई दी होगी रस मलाई, पता नहीं शायद तोड़े होंदी है स्वीट होंदी होंदी, अलग अलग किस्म दी मिठाइयां, गोल गप्पे। ते नहीं उन अपा जेडी जगह ते जा रहे हो ते सिर्फ इंडियन फूड है या डिफरेंट? एक ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली, लेकिन अच्छा। इधर एक स्वीट शॉप दे रही थी उन्होंने अपना टाई अप करके लाइव काउंटर से। सत श्री अकाल भाजी, अभी अपने बंदे मिल गए कुछ, बाकी चलो सैटरडे जरा कर दे। अच्छा अच्छा, बाकी सैटरडे आप देख दे। चलो बाकी चलते हैं फिर जगह ते, लोकेशन ते मिलते हैं, तुहानू स्वीट्स दिखाने जेडे भाजी कह रहे ने, उस तो बाद तुहानू खाने दी भी वीडियोस कैप्चर करके दिखांगे। चलो मिलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे, अपनी मंजिल पे। यहाँ पे वाकई इंडियन स्ट्रीट फूड डिफरेंट टाइप्स का था, जिसे देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। स्पाइस जंक्शन पे बहुत ज्यादा रश होने की वजह से मैंने पाजी को बोला कि चलो कुछ खाना हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, और कुछ खाना हम बाहर कहीं ओपन जगह पे बैठ के खाएंगे और ऑडियंस से रिव्यू शेयर करेंगे कि कैसा लगा हमें इंडिया का स्ट्रीट फूड जो कि हमें जर्मनी के शहर बर्लिन में मिला। तो चलो जी, इस खाने की कम्प्लीट लुक आपसे भी शेयर कर देते हैं, और उम्मीद है ये खाना देख के आपके भी मुँह में पानी आया होगा। आ
आज आपके राजा भाई सीजी जोली के साथ पाव भाजी ट्राई करें इंडिया का खाना, तो चलो आज देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। अगर तो अच्छा लगा तो मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी कभी मौका मिले तो लाजमी ट्राई करना। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आपको रिव्यू दूंगा, फिर बात करते हैं। ये है हमारा पाव, ये है भाजी, ये है समोसा चाट, और ये आज हमारे साथ ये है स्पाइसी चाय कूलर चाय। चलो भाजी चलो शुरू करते हैं, फिर ऑडियंस को बताएंगे अपना ऑनेस्ट रिव्यू। तो गाइस जैसा कि हमने आपको दिखाया था, हम लोग पाव भाजी समोसा चाट और स्पाइसी चाय ट्राई करने के लिए बैठे थे। तो चलो पहले पाजी से पूछते हैं पाजी का रिव्यू कैसा है उन खाने के बारे में जो हमने खाना ट्राई किया है। तो पाजी आपको कैसा लगा एज कम्पेयर टू इंडिया, जो चीज़ें इंडिया में मिलती हैं और यहाँ जर्मनी में बर्लिन में मिलती हैं, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? देखो इंडिया में तो ऑथेंटिक है, अच्छा इंडिया वाले की तो बराबरी नहीं कर सकते, अच्छा लेकिन अगर हम कहें कि एक हजारों किलोमीटर दूर दूसरी कंट्री के अंदर, अच्छा जहाँ इंग्रेडिएंट्स भी पता नहीं थोड़े सेम है कि नहीं है, अच्छा उस हिसाब से मैं कहूँ तो काफी सही था। पाजी पैसे में कितना डिफरेंस है, इंडिया में आपको कितने का मिलता पाव भाजी और यहाँ पे कितने का मिला? यार देखो जैसे इंडिया में अगर आप खाओगे तो आपको दो पाव जो कि एक डिसेंट साइज के पाव है, हाँ जी, और जो भाजी है, हाँ जी, जैसे मतलब आप किसी स्ट्रीट वेंडर से ना खा के अगर आप किसी लेट्स से थोड़ी सी अच्छी एक दुकान से भी खा लोगे जो मोहल्ले गलियों में दुकानें होती हैं, तो आपको लगभग 100 रुपए, अच्छा मैक्सिमम 150 इज टू मच, 150 हो गया मैक्सिमम, अच्छा तो ये लेस देन 2 यूरो हो गया, अच्छा ठीक है, तो ये इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमने पे किया यहाँ पे हमने 7 यूरो पे किए, छोटे छोटे दो पाव जैसे तुमने देखा। अच्छा तो जो हमने जो दो पाव भाजी खाए उसका 7 यूरो, जो समोसा चाट खाया उसका अलग, उसका 6 यूरो, अच्छा 6 यूरो, ओके तो वो भी हमने साथ में खाया, तो इसका मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव था एज कम्पेयर टू इंडिया। मेरे लिए तो ये पहली बार था यार पाकिस्तान में, तो आपको पता है पाव भाजी मिलती नहीं है, तो अगर यार मैं बताऊं मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि जो भाजी थी वो सब्जी की बनी होती थी, सब्जी की बनी होती है मोस्टली, और पाव जो है हमारे हमारे पाकिस्तान में होता है एक बांदे टाइप, उसको क्रिस्पी किया जाता है, बस वो है हमारे पास पाव, ठीक है। और बाकी समोसा चाट भी बड़ी अच्छी थी, बड़े डिफरेंट तरीके से बनाई गई थी, लाइक बहुत ज्यादा सॉस वेजिटेबल थी, सैलड थे, सॉस कह के हम उसकी तोहीन नहीं कर सकते, अच्छा चटनियां जो है, तो पाजी कह रहे चटनियां तो आप चटनियां मान लो, तो बाकी मैं आउट ऑफ 10 ये बोलूंगा कि मेरे लिए पाजी 8 था। कसम से मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, ये पार्क पहले तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो शुरुआती व्यू है ना, जो शुरू में व्यू हम देख रहे हैं पाजी, वो अमेजिंग, आप देख सकते हो मौसम भी थोड़ा क्लाउडी बना हुआ है लेकिन अब व्यू चेक करो यार, ये हमारा जर्मनी बर्लिन, ये हमारे पाजी हैं, अभी हम कुछ इंडियन स्वीट्स लेके आए हैं पाजी, वोट हमने इंडियन स्वीट्स वो लिए जो पाकिस्तान में मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो पाजी ने बोला चलो वो स्वीट्स लेते हैं वो ट्राई करते हैं क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। पाजी थोड़ा सा हाथ दिखाना, थोड़ा सा बताओ ये क्या क्या है? यार इसमें ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, हाँ ये पान और थोड़ा सा एक इंडियन स्टाइल चॉकलेट होता है उसका मिक्स है। अच्छा ये जो दिख रहा है ये होली में स्पेशली बनाया जाता है, गुजिया इसको कहते हैं, अच्छा। आपके पाकिस्तान में भी होगा, हाँ ये तो है। अच्छे एक पेड़ा है और एक ये बर्फी, बर्फी की तरह लग रही है लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसमें कैसे बनती है, अपने हिसाब से बताना खा के टेस्ट रिलेट किन आइटम से करता जो पाकिस्तान में अवेलेबल। चलो अभी ये भी ट्राई करते हैं और बाकी फिर आपसे रिव्यू शेयर करते हैं। बाकी भाजी आज के रात का क्या प्लान है? चलो ये तो अभी दिन में हम तफरियां कर रहे हैं, रात को क्या करना है फिर? पहले तो इस दिन की तफरी के लिए भी एक पॉइंट आपको बता दूं कि जो जर्मनी शहर है, मतलब हम तो अभी बर्लिन में, अच्छा लेकिन पूरे जर्मनी में, अच्छा एक पार्कों का कल्चर बहुत ज्यादा, अच्छा यहाँ पे बर्लिन के अंदर ही कम से कम नहीं तो 10 ऐसी पार्क्स हैं जो कि बहुत ही बड़ी पार्क्स हैं, अच्छा ग्रीन एरियाज बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे कल्चर है कि आप कभी भी सैटरडे संडे आ जाओ आपको हजारों लोग मिलेंगे पार्क्स में फैमिलीज के साथ बारबेक्यू करते हुए, तो एक कल्चर बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे ये चीज जो है, एक फैमिली वाला माहौल, अच्छा अच्छा साफ सुथरा वातावरण, एनवायरमेंट पीसफुल, अच्छा अच्छी ऑक्सीजन, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा इसी और रात के लिए। तो चलो फिर भाजी अभी फिलहाल अपनी स्वीट्स ट्राई करते हैं, इनका रिव्यू करेंगे फिर बाद में रात को बताते हैं ऑडियंस को। वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा धमाका है आप लोगों के लिए क्योंकि जिस क्लब की हम बात करेंगे शायद कहीं ना कहीं आपने वो सुना होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे लिंक करता है,
उसके बारे में आपको सारे फैक्ट बताएंगे, तो चलो जुड़े रहो व्लॉग को पूरा देखना। तो फाइनली हम मिठाई लेके हाथ में ओपन जगह की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद हमें ये विक्टोरिया पार्क दिखा, तो पाजी ने सजेशन दी कि चलो यहाँ बैठ के मिठाई एंजॉय करते हैं और साथ में इस पार्क का व्यू एंजॉय करते हैं और ऑडियंस से भी इसका 360 व्यू शेयर करेंगे। तो फाइनली ये था हमारा विक्टोरिया पार्क, अभी हम इसके टॉप पे हैं, तो चलो टॉप का व्यू आपसे शेयर करते हैं। ये हमारे पाजी खड़े हैं और ये है वो टॉप का व्यू जिसके लिए हम ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट ऊपर चढ़ गए हैं बड़ी जदोजहद के ऊपर आने के लिए। तो अभी मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स से ये वाला जो टॉप का व्यू है वो शेयर किया जाए। पाजी कुछ वर्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए कहना चाहोगे? सब्सक्राइब करो यार, इनसाइट्स लगा रहे हैं लोग, वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ओके ब्रो, जैसे पाजी ने बोला कि ठोक के सब्सक्राइब करो ताकि असी इस साल खत्म होने तो पहला 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। हाँ जी, तो अभी हम लोग ब्रैंडनबर्ग जा रहे थे, तो यकीन मानो गाइस ये जगह इतनी खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना पाजी ये जगह भी अपने व्लॉग में इंक्लूड की जाए। पाजी जगह का नाम क्या है? मुश्किल बहुत है, कुछ बस नाम है लेकिन पाजी को पता, पाजी प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? पोट्सडामर प्लाट्स है, सेंट्रल पॉइंट इसको कह सकते हैं बर्लिन का। अच्छा, काफी बढ़िया जगह है। अगर आपको, मैं कहूंगा कि तू बाद में एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी इसके आगे डाल दे, 360 व्यू। 360 व्यू ओके, तो चलो मैं इस व्यू का आपको 360 जो है कैप्चर करके दिखाता हूँ, व्लॉग में ऐड कर दूंगा। आप लोग मुझे बताना कि कैसा लगा, कल को बर्लिन आए तो ये जगह लाजमी विजिट करना। तो ये रहा इस जगह का 360 व्यू आपकी स्क्रीन पे। जर्मनी आए थे, स्पेशली बर्लिन में आए थे, तो मैंने सोचा कि बाकी सारी चीज़ें तो दिखा दी, अगर आपको जर्मनी का पार्लियामेंट नहीं दिखाया तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल, बुदापेस्ट का पार्लियामेंट मैंने आपको दिखाया, अगर नहीं पता तो उसका मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, वो पार्लियामेंट देख लेना। इंडिया का पार्लियामेंट जब इंडिया जाएंगे तो फिर कभी दिखाएंगे, और पाकिस्तान का पार्लियामेंट मैं जब कभी जाऊंगा तब हम कैप्चर करेंगे। तो फिलहाल अभी जर्मनी का पार्लियामेंट हमारी आंखों के सामने है, तो चलो ये भी आपसे शेयर किया जाता है। ये था हमारा जर्मनी का पार्लियामेंट, फैसला आप लोगों के हाथ में है कौन सा पार्लियामेंट ज्यादा खूबसूरत है, हंगरी का या जर्मनी का। मेरा पर्सनल फेवरेट, तो मेरा पसंदीदा है वो हंगरी का। हंगरी का, बाकी ऑडियंस से डिसाइड करते हैं। कमेंट में बताना कौन सा पार्लियामेंट आपको ज्यादा अच्छा लगा। और सुबह से जैसा कि हमने आपको काफी व्यूज दिखा दिए तो थक गए थे, टूट गए थे। मैंने पाजी को बोला कि चलो यार कुछ सुकून की जगह पे चलते हैं, तो पाजी ने वाकई यार ऐसी जगह आज मुझे लेके आ गए यहाँ पे जो वाकई यार सुकून तो है और नेचर इतनी आंखों को अच्छी लग रही है, जाने का दिल नहीं कर रहा कहीं। आप देख सकते हो पार्क की लुक चेक करो यार। लेकिन पाजी आपने बताया कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए है ना, 3-4 महीने जो गर्मियों का टाइम है। अच्छा, काफी अच्छा है रहता। तो पाजी ऐसे आपने मुझे बोला भी था कि जर्मनी का जो पूरा वेदर है 9 महीने डिप्रेसिंग सा रहता है, बाकी 3 महीने ये जो ग्रीनरी देखने को मिल रही है बस यही रहती है ना। बिल्कुल, जो समर टाइम है 4-5 महीने मतलब जिसमें आप थोड़ा सा बाहर घूमेंगे अच्छी सनलाइट रहेगी वही टाइम अच्छा है, बाकी जो सर्दी है थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो जाती है यहाँ पे। तो आप रिकमेंड करोगे अपने इंडिया पाकिस्तानी ऑडियंस को कि आप जब भी जर्मनी आने का सोचो कौन सा सीजन अच्छा हो? अगर घूमने आना कोई बंदा चाह रहा है सिर्फ ट्रैवल के लिए तो ऑब्वियसली उसको समर में आना चाहिए। अच्छा, या वो क्रिसमस टाइम पे भी आ सकता है, घूमने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर किसी बंदे को लॉन्ग टर्म रहना है तो वो तो खैर यूज टू होना ही पड़ेगा आहिस्ता करके। और बाकी मजे की बात बताता चलूं कि कल हम लोग एक नया व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम प्रोफेशनल तौर पे जर्मनी की सैलरी, पाजी ने कैसे इंडिया से हंगरी से जर्मनी मूव हुए, A to Z हम पूरी आसान भाषा में अपनी ऑडियंस से शेयर करेंगे। मैं चाहता हूं कि यार आज हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस एशियन ऑडियंस को बेनिफिट दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो कल हम एक ऐसा व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको बता दूंगा
तो आप लोग वो व्लॉग लाजमी देखना, आपको जर्मनी का लाइफ स्टाइल, जर्मनी की सैलरी, सारे बेनिफिट हम उस कोशिश करेंगे उस वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो चलो वेट करिएगा उस वीडियो का। वो बात तो आपने सुनी होगी कि कभी कभी इंसान को रब भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की हलचल में हम हमेशा बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता अपने लिए, इस नेचर को इन्जॉय करने के लिए। बट लुक एट दिस व्यू, मेरे पीछे ये इतना कोई राहत वाला व्यू है, मैं आपको बता नहीं सकता। मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस पार्क की ब्यूटी, इसका हसीन व्यू आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो चलो जी जल्दी से इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं और फिर निकलते हैं, कुछ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेरे पास आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या होने वाला है? वो सरप्राइज है कि हम आपको लेके जाएंगे एक और जर्मनी के सबसे फेमस पॉइंट पे, जिसका नाम है चार्ली चेक पॉइंट। तो चलो व्लॉग को पूरा देखना और बताना कि कैसा लगा आपको जर्मनी का चार्ली चेक पॉइंट, जर्मनी का ब्रैंडनबर्ग गेट और जर्मनी के ये पार्क व्यूज। तो फाइनली हम लोग ब्रैंडनबर्ग गेट पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ज्यादा ऑडियंस है, लेकिन आपको बताइए ऑडियंस हो तभी मजा आता है। तो चलो अभी आपको हम ब्रैंडनबर्ग गेट का 360 व्यू दिखाते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये जगह अच्छी लगेगी। 3, 2, 1 हियर वी गो। तो पाजी क्या कहते हैं रात का व्यू आप बता रहे थे मुझे, ये जगह पूरी रोशनी से भरी होती है, लाइट्स आती हैं, एक खामोशी होती है, व्यू बड़ा सही है। मैं तो कहूँगा हमें रात को आना चाहिए। तो चलो ऑडियंस के लिए हम रात का व्यू भी लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जगह पसंद आई होगी, हमारा ये व्यू आपको पसंद आया होगा। तो बाकी मेरे चैनल को ठोक के सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हर वीडियो में ये बंदा राजा भाई आपको बोल रहा है कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। हाँ जी, लोग सब्सक्राइब कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? पाजी कर रहे हैं, मोहब्बत बांटने वाले कर रहे हैं, मगर पता नहीं बॉयज वीडियो पूरी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। तो मेरे पास एक बात है भाई सारी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तानी ऑडियंस तो इसको देख ही रही है, लेकिन इंडियन जो मेरे भाई हैं उनके लिए भी एक बात है। अच्छा, तो मैं आज इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप सब ने इसको अगले 3 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। अच्छा, लेकिन राजा साहब ऐसे नहीं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आप क्या करवाना चाह रहे हैं भाजी, क्या करवाएंगे? देखो भाई आप सबने इसको सब्सक्राइब करना है, 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही आपके होंगे। अच्छा, आप हंगरी के अंदर रहते हैं, आपको कम से कम 100 लोगों को खाना खिलाना होगा। 100 लोगों को खाना खिलाना है? बिल्कुल, 100 लोगों को कम से कम खाना। होटल से क्या साहब? वो आपकी मर्जी, आप होटल से लेके खिलाएं। अच्छा, आप खुद पका के खिलाएं। अच्छा, आप बाहर से लेके खिलाएं, आपको 100 लोगों को खाना खिलाना है। अच्छा, और ये वीडियो खाना खिला के डिस्ट्रीब्यूट करके ये वीडियो फिर से सेम चैनल पे डालनी है, ताकि लोगों को पता लगे जो उन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए यार कुछ नेकी भी की गई है। ओके, तो जैसा कि पाजी ने बोला है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं 100 बंदों को खाना खिलाऊंगा हंगरी में और इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो पाजी ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे चैनल का मेन मकसद यही था कि जब कभी हम YouTube से अर्निंग करेंगे तो उस अर्निंग को ऑडियंस में डिवाइड करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इससे, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले व्यू पे। तो गाइस अभी हम लोग चार्ली चेक पॉइंट पर जा रहे थे, मगर रास्ते में एक इतना प्यारा व्यू दिखा और इतनी प्यारी जगह दिखी कि मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया जाए। और व्लॉग में रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्सर इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा विलन जो है ऐसी गाड़ियों में आते हैं और किडनैपिंग करते हैं और मूवी चलती है। तो चलो इन गाड़ियों की लुक और ये जगह आपसे शेयर करते हैं, उम्मीद है ये जगह आपको पसंद आएगी। तो आर यू रेडी? 3, 2, 1 हियर वी गो। आप देख सकते हो एक गाड़ी वो टॉप पर पड़ी है और ये वो गाड़ियाँ हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, अक्सर गाड़ियाँ ये इंडियन मूवीज़ में यूज़ होती हैं। अपनी लोकेशन पे चलते हैं चार्ली चेक पॉइंट पे और थोड़ा सा उसको भी ऐड करते हैं। और बाकी इस चार्ली चेक पॉइंट जो हमारी आज की आखिरी लोकेशन है, इसके बाद हम जो अपना व्लॉग यहाँ क्लोज करेंगे जो दिन का व्लॉग है, और फिर हम लोग थोड़ा सा घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना वाना खाएंगे
और रात के लिए फिर निकलेंगे, क्योंकि बर्लिन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रात को, तो दिन को तो वो खूबसूरत लगती हैं लेकिन रात को वो नेक्स्ट लेवल लगते हैं। तो आज हम वो कवर करेंगे और व्लॉग में डालेंगे ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पहले सोजर की तस्वीर दिखा रहा था, फिर मैंने आपको एक चेक पॉइंट दिखाई, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ। तो चलो हम आपको इसकी पूरी समरी बताएंगे। तो पहले कुछ शॉर्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि ये जो चेक पॉइंट मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, इसको चार्ली चेक पॉइंट कहा जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इवन बर्लिन भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। तो बाकी की जो इसकी स्टोरी है, कुछ एक्चुअल पॉइंट्स हैं, वो हमारे पाजी बताएंगे। पाजी क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं ताकि कल के ऑडियंस आए और ये पॉइंट्स माइंड में रखे, वो इसे देखे। क्या कहते हैं अभी इस तरफ सामने जो बंकर देख रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं इनको, ये जो बंकर है ये यूएस आर्मी का चेक पॉइंट था। इस तरफ वेस्ट बर्लिन है, उस तरफ ईस्ट बर्लिन। तो 1961 के अंदर जब ये बर्लिन वॉल यहाँ पे थी, तब ये चेक पॉइंट यूएस की आर्मी ने बनाया था, और जो आपको उस तरफ का वेस्ट बर्लिन है उसे सोवियत की फोर्सेस कंट्रोल किया करती थी, जो कि आज के टाइम पे जैसे हम रशिया कह देते हैं, रूस कह देते हैं, और इस तरफ एलाइड फोर्सेस जो कि यूएस की फोर्सेस थी उसे कंट्रोल किया करती थी। ये चेक पॉइंट बर्लिन की डिवीजन में कह सकते हैं हम कि एक एंट्री पॉइंट था, कि जहां से कोई भी गाड़ी जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया करती थी उसे यहां से गुजरना पड़ता था। और काफी इसके पीछे एक ट्रेजिक स्टोरी भी है कि लोग सोवियत यूनियन जहां की काफी जुल्म किए जा रहे थे उस एरिया में, तो लोग यहां से क्रॉस करने की कोशिश करते थे और काफी सारे लोगों की यहां पे मौत भी हुई थी, क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस थी और गोलियां चला करती थी। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी इस चेक पॉइंट चार्ली की। थोड़ा सा आपको पास लेके जाते हैं और इसका व्यू दिखाते हैं, ये कैसे दिखती है। हियर वी गो, ये है वो यूएस आर्मी की चेक पॉइंट जहां पे जो पाजी ने आपको बताया वो चीजें हिस्ट्री में हुई। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। व्लॉग के साथ साथ ब्रंडनबर्ग गेट, चार्ली चेक पॉइंट, वो इंडियन मूवीज में यूज होने वाली कार्स और स्पेशली बर्लिन के पार्क आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम इसी तरह आपको इंटरटेन कर सकें और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला सकें। अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चाओ, अल्लाह।